धवन स्ट्रीट डांसर के बाद कौन सी फिल्म करेंगे? दोस्तों जहाँ खबर थी कि वरुण धवन 2020 में अपने डेट की फिल्म कुली नंबर 1 का रीमेक करेंगे और इस फिल्म में आपको वरुण धवन और सारा अली खान दिखेंगे और इस फिल्म की शूटिंग 2020 के शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में मीडिया की तरफ से खबर आई है कि हाल ही में वरुण धवन ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर आनंद एलराय के साथ एक फिल्म को लेकर बात की है और ये एक देसी फिल्म होगी, यानी जिस तरह की फिल्में आनंद एलराय की होती है जैसे कि रांझना और तनु वेड्स मनु। और दोस्तों आनंद एलराय वरुण धवन के साथ एक देसी फिल्म बनाना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ वरुण धवन को उनकी पिछली फिल्मों में हम देसी लुक में देख चुके हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि वरुण धवन और आनंद एलराय की इस फिल्म की अनाउंसमेंट जल्दी की जा सकती है। हालांकि यहाँ आनंद एलराय की पिछली फिल्म जीरो कुछ खास नहीं थी और इस फिल्म ने लोगों को काफी ज्यादा निराश किया था। वहीं वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन अपनी अगली 4D डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही है जहां पर फिल्म के शानदार और आलिशान डांस परफॉर्मेंस को शूट किया जा रहा है। दोस्तों 8 नवंबर 2019 को आपको वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर देखने को मिलेगी। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इसके बाद वरुण धवन किस फिल्म में दिखते हैं, कुली नंबर 1 के रीमेक में या फिर आनंद एलराय की देसी फिल्म में। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।